अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नीलोफर सरवर अंसारी और आज हम बना रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल मैगी, जो मज़ेदार बनती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे इसी तरह से बनाइएगा जैसे हम आपको बताएंगे, तो ये परफेक्ट बनकर तैयार होगी। हमने आज तक मैगी की कोई रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है, लेकिन आज जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं ये सच में बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, चाहे तो आप इसमें चीज़ ऐड कर दें ऊपर से और इसे गर्मा गर्म सर्व करें, या आप बिना चीज़ के भी इसे खा सकते हैं। तो देखिए किस तरह से बनाई जाती है ये मैगी। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे बनाने के लिए हमने इस वाली मैगी का इस्तेमाल किया है, 2 पैक लिए हैं हमने इसके। अब हमने 1/4 कप के इतना ऑयल ऐड कर दिया है फ्राई पैन में, और जब ऑयल गर्म हो गया तो हमने इसमें आधी मीडियम साइज़ की प्याज को काट कर ऐड कर देना है, पतला पतला सा। और इसके साथ ही हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्चों को ऐड कर देंगे काट कर, और जो शिमला मिर्ची है उसे भी हमने आधी मीडियम साइज़ की लेना है, उसे भी हमने बारीक काट लिया था उसे ऐड कर दें। साथ ही मटर भी ऐड कर देना है 4 टेबलस्पून के इतनी, और इसे अच्छे से भून लेना है कुछ सेकंड तक। अब आधे मीडियम साइज़ के टमाटरों को भी बारीक काट कर ऐड कर दें। अब हमें टमाटरों के नरम होने तक इसे अच्छे से भूनना है। इसी बीच हम इसमें कटा हुआ हरा प्याज ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के इतना, और 3 टेबलस्पून इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें मैगी मसाला मैजिक ऐड करेंगे, सिर्फ 1 टीस्पून ही ऐड करना है। अब आंच को स्लो कर दें और इसे स्लो आंच पर भूनते हैं। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि जो मटर है वो गल जाए और जो टमाटर है ना वो भी सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, जो मटर है वो गल गए हैं और जो टमाटर है वो भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो 2 पैक के लिए हमने जो है 2 ग्लास के इतना पानी ऐड करना है। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी वाली चाहिए तो आप 2.5 ग्लास तक ऐड कर सकते हैं पानी को। हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है, अब हम इसे बॉईल होने देंगे। अब हमने इसमें जो मैगी के अंदर पाउडर आता है ना, 2 पाउच हम इसमें ऐड करेंगे। इसी के साथ हम इसमें 1/2 टीस्पून के इतना हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे, और जैसे ही ग्रेवी बॉईल हो जाए हमें इसमें मैगी ऐड कर देना है। अब हमें मैगी के सॉफ्ट होने तक इसे पकाना है मीडियम आंच पर। अब जो मैगी है वो तैयार हो चुकी है, इसमें हमें 1 टेबलस्पून के इतना कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देना है ऊपर से, और इसे गर्मा गर्म सर्व करना है। तो यकीनन आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी बेहतरीन रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे, तो जो नए देख रहे हैं ना वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये फ्री है, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।